जिला मुख्यालय के कन्या महाविद्यालय में 4 दिवसीय ANM और GNM की परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित की जा रही है, जिसमें 520 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम गौतम, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से हम पूरी व्यवस्था। खाद चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक ने फूप थाना प्रभारी को किया निलंबित। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। उज्जैन के गैस प्लांट में ब्लास्ट से 2 सफाई कर्मियों की मौत। परिजनों ने किया प्रदर्शन। 5-5 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग की। आज गटिया स्थित इंडियन ऑयल के प्लांट पर 2 व्यक्तियों की टैंक में डूबने से डेथ हुई है, जिनकी बॉडी अभी भी अंदर है। इसलिए यहाँ से राष्ट्रीय सेना और सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर। रायगढ़ में ठेकेदार की लापरवाही से खतरे में कर्मचारी की जान। ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ कर्मचारी। ठेकेदार ने नहीं की कोई मदद। समस्या क्या है आपको बताएंगे? मेरी समस्या ये है कि मेरा भाई सतीश कुमार आदित्य मुन्ना अंसारी जो कि ठेकेदार है, दक्षिण नगर में रहता है, उसके अंडर में काम करता था और रंगाई पुताई का काम करता था और उसके ठेके के साथ। होशंगाबाद पुलिस लाइन में दशहरे पर हुआ शस्त्र पूजन। SP गुरुकरण सिंह ने पारंपरिक तरीके से किया शस्त्र वाहनों का पूजन। टीकमगढ़ में जवारे रखने बगाज माता मंदिर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे। 15 साल के बच्चे की मौत। कई लोग हुए घायल। गुदनवारा गांव के पास हुआ हादसा। उज्जैन में लोहे के सरिये से भरे एक ट्रक से कार टकराई। हादसे में ड्राइवर की मौत। ट्रैक्टर चालक फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। कल शाम को करीब 5 बजे थाना थाने वाला जो स्टेशन से मागुरों से उज्जैन जा रहे थे तो रास्ते में गंगा गिरी के पास। प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी का पूर्व CM दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा जिन लोगों ने मध्य प्रदेश के किसानों को नीले गुलाबी पीले फॉर्मों की लाइन में लगा दिया, आज वह अगर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसको जनता अच्छा नहीं मान। आज कांग्रेस के लोग जनता के दुख में, जनता की तकलीफ में, जनता के दर्द। जबलपुर में केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन को हरी झंडी का इंतजार। टीकाकरण के तहत किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर भी हुआ तैयार। IEEE जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत ही डील होता है। जब पहले जिसने कि कोविड सेंटर के रूप में काम किया, अब हम वैक्सीनेशन कंट्रोल सेंटर के रूप में काम कर रहे थे, तो वहीं हम सभी को ये आइडिया आया कि क्यों ना हम एक किड्स के। भोपाल में 2 दिवसीय MP चैप्टर के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन आर्थोपेडिक्स विभाग गांधी मेडिकल कॉलेज और भोपाल आर्थोपेडिक सर्जन सोसाइटी की तरफ से किया गया आयोजन। मैं डॉक्टर आशीष गोयर, प्राध्यापक अस्थिर अग्रवाल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, और इस आयोजन का साइंटिफिक कमेटी मैं देख रहा हूँ। और इसमें जो साइंटिफिक प्रोग्राम हम लोगों ने प्लान किया है उसमें मध्य प्रदेश में जो अनुसंधान किया। झाबुआ में पुलिस की शराब और कबाब पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ASP ने एक्शन लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। वर्धा में गृह मंत्री और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सर्वधर्म समाज प्रमुखों के साथ की बैठक। घटना के 12 दिन बाद की स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ने पर की सराहना।
अगर ऐसा है तो मैं निश्चित तौर पर दिखवा लूंगा और जो कार्यवाही करने वाली जो चीज होगी तो जरूर किया। मामला बढ़ा है, ये पुलिस की कमजोरी के कारण तो अभी बातें आई है अंदर में पुलिस की भूमिका के विषय में। तो रायपुर में पीएल पुनिया के दौरे पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी विधायक ने कहा छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता को करना चाहिए स्पष्ट। जो छत्तीसगढ़ में अस्थिरता का माहौल हो गया है, पूरी तरह यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया है, यहाँ के वनवासी बस्तर से 350 किलोमीटर से चलकर आते हैं, सरगुजा से 450 किलोमीटर से चलकर आते हैं। मुख्य अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल अब तक नहीं हुआ शुरू, अगस्त में सीएम ने किया था लोकार्पण। पनबी स्टैंड में यात्रियों को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में होना था शिफ्ट, यात्रियों को हो रही दिक्कत। देखिए आधे अधूरे सुविधाओं के साथ हड़बड़ी में और जल्दबाजी में अपने मुखिया को खुश करने के लिए महापौर जी ने ये जो बस स्टैंड है उसका उद्घाटन करवा दिया। बस रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम दर्रीडीह मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर, बड़ी मुश्किल से कर रहे ग्रामीण गुजर बसर। कौन गाँव? शेरवा। कौन पंचायत? दारीडी। पक्का नहीं है आप मन को बताओ? शौचालय घूमने गए ना, पक्की घर घूमने गए। चावल मिलता है? मिलते। क्या मिलते? चावल। और का परेशानी होता है? क्या घर में रहते हैं आप? हाँ माँ। रायगढ़ में नेपाली महिला की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने वारदात के हत्यारे को किया गिरफ्तार। क्या जानकारी घटना के दिन कहाँ गए थे? कैसे घर में थी? घर में थी, मैं नाने जा रही थी, उसको बोली तो रुक जा मैं आ रही हूँ खाना देके फिर चले जाने जाना रायगढ़। ठीक मतलब वो निकल गया था मेरा। कितने बजे निकला?